उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत से परेशान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से साथ मिलकर काम करने की अपील की है। ममता की इस अपील से ये साफ हो गया है कि सूबे में बीजेपी के विस्तार ने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराई दीदी, लेफ्ट और कांग्रेस से साथ आने की अपील, मिलकर बीजेपी को हराने का किया आग्रह। ममता बनर्जी कब क्या करेंगी इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को पश्चिम बंगाल की सियासत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली ममता बनर्जी ने अब लेफ्ट और कांग्रेस से बीजेपी के खिलाफ मिलकर संघर्ष करने की अपील करके साफ कर दिया है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। बंगाल की सियासत से लेफ्ट फ्रंट को जिस ममता बनर्जी ने अकेले दम पर सत्ता से बाहर कर दिया और माँ माटी मानुष का नारा देकर तृणमूल कांग्रेस की लहर चलाई, उनको ही अब एहसास हो गया है कि बीजेपी आने वाले दिनों में उन पर भारी पड़ सकती है। और यदि अभी से उन्होंने कोशिश नहीं की तो पश्चिम बंगाल में उनका भी वही हाल होगा जो आज लेफ्ट फ्रंट का हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को दिए गए अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, हमें बीजेपी से लड़ने के लिए एक हो जाना चाहिए। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी साथ होकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। ममता बनर्जी की अपील पर अब सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की अपील को हवाई अपील बताते हुए कहा कि लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और टीएमसी की वजह से ही राज्य के हालात इतने खराब हुए, अब एक बार फिर साथ आए तो राज्य की स्थिति और बिगड़ जाएगी। ये कांग्रेस आज जो टीएमसी बने हैं, उनका जो पुरानी कांग्रेस और सीपीएम के कारण बने हैं। देश में कोई प्रांत नहीं है जिसमें ऐसा राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुए है। वही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की अपील का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले से ही बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को साथ लाने की अपील करती रही है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी एक साथ मिलकर काम करना चाहती हैं तो एक अच्छी बात है। आज उनको ज्ञान आ रहे हैं कि बीजेपी को साथ अकेले दम पे लड़ना मुश्किल है, इसलिए वो सोच रही है। हम तो शुरुआत से कहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है जिनको साथ सबको आना चाहिए विपक्ष बीजेपी को खिलाफ लड़ने के लिए। अगर वो ज्ञान आए तो अच्छा होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चोट से ममता तिलमिलाई हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि जल्द ही बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा नहीं बना तो 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है कि ममता हर हाल में पश्चिम बंगाल में सभी बीजेपी विरोधी दलों को एक साथ लाने की कवायद में जुट गई है। हालांकि उनकी ये कवायद कितनी सफल होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। टी न्यूज़ नेशन।